नरेंद्र मोदी जी के बारे में रोज चर्चा होती, मैं बीजेपी का नहीं, मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है। उसने सारे देशों को जोड़ा है, दुनिया के अंदर भारत का नाम बनाया है। अगर आज कहीं बाहर जाके कुछ सिख भाई भी कहेगा मैं भारतीय हूं, वो तो भारतीय है, उसको एक भारतीय सिख, गुरु महाराज का सच्चा सिख, एक भारतीय के तौर पे भी इज्जत मिलती है उसको। वो नरेंद्र मोदी है। क्या लड़ाई आपकी नरेंद्र मोदी जी? पर नरेंद्र मोदी जी सिख कौम के आगे सिर झुकाते थे, झुकाते हैं, झुकाते रहेंगे। इन चंद लोगों के कारण वो गुस्सा खाने वाले नहीं, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। बेटा G20 सामने देख के जवाब दे। जी G20 दे टाइम ते ट्रूडो जो आया आके वो 6 दिन एक्स्ट्रा रहा थे, पर उस दौरान उसने बहुत बैडली इग्नोर किया गया। तो लगता नहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते ने कि ना कि कूटनीति जड़ी है भारत की, वो इतने फेलियर साबित हुई। देखो जी, भारत की एक नीति आज फॉरेन पॉलिसी स्पष्ट है। पहले भारत के फॉरेन मिनिस्टर होते थे, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर होते थे, हम पॉलिटिकल लोग बना देते थे। आज काबिलियत को देखा जाता है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, अगर अच्छा पत्रकार है, अच्छा अगर समाजसेवी है, उनको वो जिम्मेदारी दी जाती है। आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी समझते थे पूरी दुनिया को। हिंदुस्तान की एक सीधी सी स्पष्ट पॉलिसी है आज के भारत के अंदर, आतंकवाद के ऊपर कोई दुनिया से बड़ा सा बड़ा देश हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, इटली हो, यूके हो, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वो स्पष्ट बता दिया, जब अम्बेसियों को बंद किया गया स्पष्ट बता दिया, यूके के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, अम्बेसी को उखाड़ दिया, हम नहीं कंप्रोमाइज करेंगे, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। लोगों के अलग अलग विचार होते, प्रथम राष्ट्र हर चीज के अंदर होना चाहिए। वो आज भारत उस स्थिति में है।